हेलो पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द मर्सिडीज बेंज सी क्लास, और ये है इसका C300d वेरिएंट। तो इसमें आपको काफ़ी सारे AMG स्पेसिफिक डिज़ाइन हाइलाइट्स मिलते हैं ऑन द आउटसाइड एंड ऑन द इनसाइड ऑब्वियसली इस गाड़ी में। चलिए देखते हैं क्या है इंटीरियर फीचर्स। सबसे पहले जो आप नोटिस करोगे इज दिस वेरी नाइस लेदर रैप्ड विथ परफोरेटेड लेदर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। Your flat bottom is very specific to the AMG line, and you obviously have these sporty pedals as well here on the steering wheel. काफी अच्छा feel होता है ये steering wheel in your hand, and it is obviously a charm to use. यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे functions दिए गए हैं on this multi-function steering wheel. ये side जो है पूरी तरीके से आपके infotainment system के लिए है, and this side is for your drive computer and for your cruise control or speed limiter functions. Touch and feel jo hai wo buttons ka kafi acha hai, and it feels very good to use. Aur ye jo black buttons aap dekh rahe ho, these are actually track pads, to isse aap sirf touch karke use kar sakte ho, and you can just swipe over here. Instrument console agar aap dekhoge to you have a twin port layout, left side mein speedometer, right side mein tachometer, aur yahan pe dekhiye center mein aapko jo screen milti hai उसमें आपको काफी सारा डेटा मिलता है। सो दिस इज ऑल द डेटा फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन यू स्टार्टेड द ट्रिप, देन फ्रॉम रीसेट, योर डिजिटल स्पीड रीड आउट, आपका ट्रिप कंप्यूटर और टोटल ओडोमीटर रीडिंग, देन यू हैव योर रेंज एंड इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन विच इज वेरी वेरी स्मार्ट। तो अगर गाड़ी एक जगह पे खड़ी है तो आप देख सकते हो इट शोज लीटर्स पर आवर, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी चलाना शुरू कर देते हो तभी वो आपको KMPL रीडिंग्स दिखाई देते हैं। देन यू हैव योर इको डिस्प्ले, अगर आप इको मोड में गाड़ी चलाते हो तो कितना बेनिफिट आपने अचीव किया है बाय ड्राइविंग नाइसली, बाय ड्राइविंग एफिशिएंटली, वो दिखाई देता है, एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन इसमें और भी डेटा आपको दिखाई देता है, तो अगर मैं ये होम बटन प्रेस कर देता हूँ तो चेक दिस आउट, अभी मैं ट्रिप फंक्शन, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, ये सारे फंक्शंस के बीच में टॉगल कर सकता हूँ, बट आई स्पेसिफिकली कीप लुकिंग एट द ट्रिप कंप्यूटर। यू कैन ऑल्सो नोटिस कि यहाँ पे असिस्टेंस फंक्शंस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, और उन सारी चीज़ों में भी आप चेंजेस कर सकते हो इफ यू सेट एनीथिंग। चेक दिस आउट, लास्ट ब्रेक कब लिया था वो आपको दिखाई देता है यहाँ पे ऑन द सेंट्रल MID। दिस इज ऑल्सो कलर डिस्प्ले एंड इट लुक्स फैंटास्टिक, डजंट इट? काफ़ी प्रीमियम फील है जब आप सी क्लास C300d के ड्राइवर सीट में बैठते हो। तो कॉकपिट व्यू इज वेरी नाइस, कोई हेड अप डिस्प्ले तो आपको नहीं मिलता है इस गाड़ी में, बट स्टिल ऑल द डेटा दैट यू नीड इज वेरी नाइसली शोन टू यू यहाँ पे इसके MID स्क्रीन पे। उसके बाद जो चीज आप नोटिस करोगे इज दिस स्क्रीन, दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन। दिस इज अ 10.25 इंच कलर डिस्प्ले मर्सिडीज बेंज इंफोटेनमेंट स्क्रीन। काफी अच्छी है ये यूज करने में, इट इज नॉट रियली अ टच स्क्रीन, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो ट्रैक पैड मिलता है दिस इज टच सेंसिटिव, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो देखिए वहाँ पे स्क्रीन पे सारे चेंजेस हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको चलाते वक्त ये यूज करने में दिक्कत हो रही है, यू कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ दिस जॉग डायल ओवर हियर, विच एक्चुअली आई रियली प्रिफर, क्योंकि ये काफी आसान है यूज करने के लिए, कंसिडरिंग कि ट्रैक पैड में जो है आपको शायद थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा टू मेक द राइट चेंजेस ओवर हियर ऑन द स्क्रीन। साउंड आउटपुट भी जो है ऑब्वियसली दिस इज अ लग्जरी कार, काफी अच्छा है, इट हैज नाइस बेस एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको अपनी गाड़ी में एक डिस्को लाइक फील चाहिए, द सी क्लास डज डिलीवर। इन द रिसेंट क्रॉप ऑफ मर्सिडीज बेंज कार्स मुझे जो फीचर सबसे ज्यादा पसंद आता है इज द AC वेंट। ये AC वेंट जो है वो काफी प्रीमियम फील होते हैं। आई डोंट सी एनीथिंग दैट इज इवन क्लोज टू दिस इन एनी अदर लग्जरी कार हियर इन आवर मार्केट। यूज करने के लिए काफी अच्छे हैं ये, देखिए इस तरीके से आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हो, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली डायरेक्ट द एयर वेरी नाइसली ऑन यू। सेंटर में आपको 3 AC वेंट्स मिलते हैं, एंड देन यू हैव 2 AC वेंट्स ऑन द ईदर एंड्स। ये एंड के AC वेंट्स देखिए किस तरीके से एकदम अच्छे से डिटेल वे में कार्व आउट किए गए हैं, एंड इट रियली रियली एड्स अ नाइस टच। डैशबोर्ड जो है वो सॉफ्ट टच अपहोल्स्ट्री आपको दी गई है डैशबोर्ड पे। यू हैव सिल्वर फिनिश ओवर हियर ऑन द डैशबोर्ड टू ब्रेक द मोनोटनी, और सेंटर में आपको ये वुडन ट्रिम भी मिल जाती है, सो इट एड्स टू द लग्जरी अपील। And you obviously have your analog Mercedes-Benz clock over here, जो by the way गाड़ी रात को जब चलती है, जब headlamps on हो जाती है, this also gets illuminated, so it looks very nice. यहाँ पे आपको एक storage bin मिलता है, so you can store some money. It is actually a cup holder over here. You have a charging point, and then you have some storage option over here underneath as well.
यहाँ पे आपको USB पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव अ SD कार्ड स्लॉट। सो द Mercedes-Benz C-Class डज हैव ऑल दैट यू नीड फ्रॉम अ लग्जरी कार। गाड़ी में बैठने के बाद फॉर द प्राइस यू पे आपको कोई भी फीचर जो है वो कम नहीं लगेगा। इट इज एक्चुअली गुड इनफ एंड इट विल मेक यू फील गुड कि आपने एक अच्छी गाड़ी खरीदी है। C-Class के C300d में आपको ये आर्टिको लेदर सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, एंड इन दिस टैन कलर इट इज वेरी इजी टू मेंटेन ऑल्सो। बेस सीट्स जो होते हैं वो आपको बहुत हार्ड मेंटेन करनी पड़ती हैं, बट दीज आर वेरी इजी एंड दे ऑल्सो लुक वेरी नाइस। सीट्स जो हैं दोनों ही फ्रंट सीट्स, द ड्राइवर एंड द पैसेंजर साइड आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। डोर पे आपको ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के कंट्रोल सारे दिए गए हैं एंड इट इज वेरी इजी टू यूज। मेमोरी फंक्शन भी मिलती है आपको ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द फ्रंट सीट, तो वो भी एक अच्छा फीचर है, क्योंकि अगर आपके गाड़ी में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं, इफ दे ड्राइव योर कार, दिस मेमोरी फंक्शन इज वेरी वेरी यूजफुल। सीट्स जो है वो काफी कंफर्टेबल हैं, दे आर वेरी नाइस एंड वेरी सपोर्टिव। साइड बोल्स्टरिंग भी काफी अच्छी है, यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द लंबर सपोर्ट ऑन द सीट, इट इज वेरी कंफर्टेबल। ऑल्सो भले ही ये बहुत ज्यादा स्पोर्टी आपको लग रही होगी राइट नाउ दीज सीट्स, बट इट इज वेरी अकोमोडेटिंग। तो अगर आप थोड़े हेल्दी भी हो इन साइज, दिस सीट विल नॉट फील टू स्मॉल फॉर यू टू फील कंफर्टेबल ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव। ओवरऑल जितने भी प्लास्टिक्स हैं, जितने भी बटन्स हैं, जितने भी सारी टच वाले एरियाज हैं, दे आर वेरी नाइसली डन। काफी प्रीमियम फील होती है ये गाड़ी, एंड लुक एट दीज बटन्स ओवर हियर ऑन द सेंटर कंसोल। यहाँ पे ये जो बटन्स है फॉर योर एयर कंडीशनिंग, दे फील वेरी नाइस, काफी एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड स्टाइलिंग लगती है ये, एंड इट इज वेरी गुड टू यूज एंड इट डज मेक यू फील दैट यू आर इन अ नाइस लग्जरी कार ओवर हियर। उसके बाद आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो लैंप्स दिए गए हैं, ये देखिए कैबिन लैंप्स कैसे ज्यूअल लाइक पैटर्न है, दिखने में काफी अच्छे हैं, इट लुक्स वेरी वेरी गुड। एंड देन ऑब्वियसली यू हैव दिस लार्ज पैनारोमिक सनरूफ। पैनारोमिक सनरूफ जो है, ये सेक्शन जो है वो आप पॉप ओपन कर सकते हो, ये देखिए अभी मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट इवन इन द रेयर कैबिन में भी आपको ग्लास दिया गया है, सो यू कैन हैव अ गुड व्यू ऑफ द स्काई जब आप पीछे भी बैठे हो, तो दैट इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ ड्रामा टू योर डेली ड्राइव। तो अगर आप बैक सीट में बैठ के कम्यूट करते हो, अगर आपका ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है, तो आपको बैक सीट में भी वो विजुअल अपील मिल जाता है। नाउ लेट्स चेक आउट हाउ थिंग्स आर इन द बैक सीट ऑफ द मर्सिडीज बेंज सी क्लास। ये एक लग्जरी गाड़ी है, तो अगर आप इसे खरीदने वाले हो, यू ऑब्वियसली डू केयर अबाउट हाउ कम्फर्टेबल इट इज वेन यू आर सीटेड बिहाइंड। क्या इसमें डिसेंट लेग रूम है, क्या इसमें डिसेंट हेड रूम है, इज द स्पेस एक्सेप्टेबल, चलिए फाइंड आउट करते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट, लेट मी फर्स्ट हैव द सीट एडजस्टेड टू माई ड्राइविंग स्टाइल। आई एम 5'8" इन हाइट एंड दिस इज प्रीटी मच परफेक्ट। चलिए अब बैठते हैं इन द बैक सीट एंड लेट मी टेल यू ऑल अबाउट। टू गेट इनसाइड द मर्सिडीज बेंज सी क्लास, सबसे पहले चीज जो आप नोटिस करोगे इज दैट द रेयर डोर इज नॉट क्वाइट एज लार्ज एज द फ्रंट डोर इज, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो रिसेस एरिया है, यू हैव टू स्टेप इन नाइसली टू गेट इनसाइड द कैबिन। लेकिन एक बार आप अंदर आ जाते हो, द कार इज गुड, इट इज नाइस एंड लग्जूरियस। जो फील है, जो लुक एंड अपील है, वो काफी अच्छा है, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ मर्सिडीज बेंज। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू आर दीज AC वेंट्स। यहाँ पे ये देखिए वेंट्स मिल जाते हैं आपको, यहाँ से आप क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको, यहाँ पे 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स नहीं है। यू कैन ओनली कंट्रोल द फैन स्पीड फ्रॉम हियर, एक्चुअली ब्लोअर आप इधर कम कर सकते हो या पूरी तरीके से बंद कर सकते हो, दैट्स अबाउट इट। देन यू हैव सनशेड्स ओवर हियर ऑन द रेयर विंडो, यू हैव द सेम ज्यूअल लाइक लैंप ओवर हियर, कैबिन लैंप, यू हैव रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स ओवर हियर, एंड चेक दिस आउट, दिस इज द ग्लास सेक्शन ऑफ द रूफ फॉर द रेयर कैबिन, इट डज लुक गुड एंड इट इज इन योर विजन जब आप ऊपर की तरफ देख के रेस्ट करना चाहते हो। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स। ये देखिए फ्रंट सीट मैंने एडजस्ट करके आपको दिखाई थी, दिस इज द अमाउंट ऑफ नी क्लियरेंस दैट आई हैव। सीट देखिए किस तरीके से कार्व आउट की गई है, तो अगर आप ज्यादा टॉल भी हो, देयर हैज बीन सम रूम दैट हैज बीन कार्व्ड आउट स्पेशली फॉर यू। सीट बैक पे आपको पॉकेट्स भी दिए जाते हैं, एंड चेक दिस आउट हाउ दिस हैज दिस रिट्रैक्टेबल डिजाइन, काफी अच्छा फील होता है ये। फुट रूम ये देखिए इतना मिल जाता है आपको, इट इज नॉट रियली वेरी जेनरस, स्पेशली जब फ्रंट सीट जो है, फ्रंट ड्राइवर सीट जो है वो एट इट्स लोएस्ट सेटिंग है, लेकिन अगर फ्रंट सीट जो है थोड़ी ऊपर होगी तो आपको थोड़ा और फुट रूम मिल जाएगा इन द रेयर कैबिन ऑफ द मर्सिडीज बेंज सी क्लास। ओवरऑल सीट बैक एंगल काफी अच्छा है, इट इज नाइस एंड रिलैक्स्ड, आई हैव नो प्रॉब्लम विद द सीट बैक एंगल। सीट की कंफर्ट भी काफी अच्छी है, द कंपाउंड इज वेरी नाइस, इट इज नाइस एंड सॉफ्ट। ओवरऑल साइड बोल्स्टरिंग भी जो है, ये देखिए यहाँ पे सीट पे साइड में बोल्स्टरिंग काफी अच्छी है,
तो आपको बैक सीट पे काफी कंफर्ट फील होगा इन दी मर्सिडीज बेंज सी क्लास। लेकिन एक कमी जो है दैट इज अंडर थाई सपोर्ट। तो ये देखिए अंडर थाई सपोर्ट में इट इज नॉट रियली आइडियल। अगर ये सीट बेंच थोड़ा एक्स्ट्रा होता तो शायद ये बेटर हो जाता, या इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में सीट थोड़ी और जरा रेज्ड हो जाती, एंड इफ इट वुड हैव टच्ड माय थाई अ लिटिल बेटर, इट कुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल। बट ओवरऑल इस सेगमेंट में द सी क्लास, द 3 सीरीज एंड द A4 ऑल ऑफ देम ऑफर ऑलमोस्ट सिमिलर लेग रूम, सिमिलर बैक सीट स्पेस। तो इस चीज पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू ऑल नो दैट दीज कार्स आर नॉट रियली दैट स्पेशियस इन द रियर कैबिन। नेक्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज दिस मैसिव ट्रांसमिशन हम। इसकी वजह से फिफ्थ पैसेंजर जो है, फिफ्थ ऑक्यूपेंट जो है, यहाँ पे जो बीच में बैठने वाला पैसेंजर होगा इज नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि उसे दोनों साइड पे पैर रख के बैठने पड़ेंगे, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल फॉर टू लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स। सेंटर आर्मरेस्ट में आपको ये कप होल्डर्स मिल जाते हैं, इस तरीके से ये रिट्रैक्ट होकर अंदर चले जाते हैं, सो इट इज नाइस एंड ईजी। यहाँ पे आपको और स्पेस भी मिल जाती है टू स्टोर सम स्टफ, टू इवन पार्क योर स्मार्टफोन इफ यू फील लाइक, एंड देन यू कैन पुश दिस बैक। And let me show you if I want to sit as a third passenger over here, मुझे इस तरीके से बैठना पड़ता है in the Mercedes-Benz C-Class। अभी इस situation में the seat back for me is a little on the firmer side because this is the armrest, फिर भी काफी soft करने की कोशिश Mercedes-Benz ने की है, but compared to the either sides of the seat, this is a little on the firmer side and also a little raised। Headroom ये देखिए यहाँ पे मुझे इतना ही मिलने वाला है। So if you are a tall passenger driving as a fifth occupant in the Mercedes-Benz C-Class, is not welcome for you। Overall आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको wooden trims मिल जाती है, these are your speaker cutouts, काफी अच्छा feel है यहाँ पे, there is leather wrap over here on the grab handles as well, and overall these buttons and everything, it feels very good, the touch is very nice, this is a luxury car, and the Mercedes-Benz C-Class is very very good। अब इस segment में ये मेरी favorite गाड़ी है because of all the touch highlights, जिस तरीके से Mercedes-Benz ने इसे बनाया है compared to the 3 series and the Audi A4, I really like it, especially till the time the next generation 3 series arrives in India, which is later in 2019, ye gaadi jo hai the Mercedes-Benz C-Class, especially in its new facelift avatar, does have a strong case for itself। lekin chaliye dekhte hain kitni hai iski boot space, agar aapko isme luggage carry karna hai, agar aapko C-Class leke long drives pe jana hai, कितने बैग्स कैरी कर सकते हो आप इस गाड़ी में, चलिए फाइंड आउट करते हैं। बूट स्पेस जो है इट इज नॉट रियली टू ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे इन दी मर्सिडीज बेंज सी क्लास आपको एक स्पेस सेवर स्पेयर व्हील मिल जाता है, तो ये जो है ये आपकी मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है इन द बूट। अभी मैंने दो बैकपैक्स रखे हुए हैं, तो यू गेट अ रेफरेंस ऑफ हाउ मच बैग्स यू कैन कैरी, हाउ मेनी बैग्स यू कैन कैरी, हाउ मच लगेज यू कैन कैरी इन द बूट ऑफ द मर्सिडीज बेंज सी क्लास। लेंथ तो काफी अच्छी है, तो शायद आप चीजें अंदर पुश कर सकते हो, ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो दिस स्पेस इज गुड इनफ फॉर से 3 or 4 पीपल, बट यू कांट रियली कैरी 2 बिग सूट केसेस बिकॉज ये स्पेस सेवर आपकी काफी स्पेस ईट अप कर रहा है। तो कमेंट्स में मुझे बताइए क्या लगता है आपको अबाउट द इंटीरियर ऑफ द मर्सिडीज बेंज सी क्लास एंड स्पेशली दिस C300d। दिस हैज अ लॉट ऑफ AMG स्पेसिफिक डिजाइन हाईलाइट्स, एंड डू यू लाइक इट? अगर आपको एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, क्या आपको उस लग्जरी गाड़ी में स्पोर्टी डिजाइन टचेस पसंद है, या आपको एक बेसिक लग्जरी कार ही पसंद है एंड यू डोंट रियली केयर अबाउट एनी स्पोर्टी एलिमेंट्स? आई विल सी यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गियर्स चैनल एंड ऑलवेज ऑलवेज ड्राइव सेफ।